तीन क्या पीना चाहोगे? दो मॉन्स्टर और एक कोक। एक कोक। पेमेंट कैसे करनी है? ये तो नीचे गिर गई, एक और निकले गई, मोस्ट नीचे गिरेगी ये गिरी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 5:26 हो रहे हैं, मस्त नहा धो के रेडी हो गए हैं, बिकॉज आज जा रहे हैं हैदराबाद मीटअप के लिए तीनों भाई पीयूष, साहिल, मैं। हमको जाना है पहले दिल्ली, दिल्ली से हमारी आज ही फ्लाइट है तो हमको जल्दी से पहुंचना है। हमारी 12:00 की फ्लाइट है, फिर निकलेंगे सीधा हैदराबाद। फर्स्ट टाइम जाएंगे हैदराबाद, वहाँ पे ड्रीम हैक करके एक इवेंट है 3 दिन का, तो वहीं पे मीटअप होगा। जितने भी लोग हैदराबाद से देख रहे हैं आप आ सकते हैं मिलने के लिए। गाइस हमारे ना एक दिक्कत है एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट दिल्ली में है ना, यहाँ पे कहीं बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ से सारी फ्लाइट जाती हो, तो हमको दिल्ली जाना पड़ता है यार 5-6 घंटे ड्राइव करके। हल्द्वानी में एक मस्त एयरपोर्ट बन जाए ना जहाँ से सारी फ्लाइट जाए, फिर हमको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मस्त यहीं सीधा फ्लाइट में। जाने से पहले तिलक लगा लेते हैं। सौदा जा रहे हैं, और बाहर तो भी अंधेरा ही हो रहा है। देखो आज हम सुबह 3 बजे उठे, नहाए, रेडी हुए, पैकिंग करी और तब हम निकले हैं 5 बजे। देखो मतलब सुबह 3 बजे उठना पड़ता है दिल्ली जाने के लिए हमको, 3 या 4 बजे। आधार कार्ड लाया अपना? आधार कार्ड आपके पास तो हुआ? मेरा, मेरे पास नहीं आधार कार्ड। लाया तू? आपका मेरा तो आपके पास था। मेरे पास नहीं है, मैंने चेक किया था। अरे लाया क्या तो आधार कार्ड लाया क्या? मैं मेरा लाया हूँ। रुद्रपुर पहुंच गए, उजाला हो गया। तो भी गाइस रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्या खाएगा? पराठा। तो हमारा दही पराठा आ गया, खाते हैं जल्दी चलते भाई, एयरपोर्ट पहुंचना है अपने को जल्दी। पराठा तो खा लिया लेकिन दही नहीं खाया गया गाइस, दही पसंद नहीं आया। पीयूष को पसंद नहीं आया, मेरे को पसंद नहीं आया और साहिल को भी नहीं। मैंने चाय ले ली। दही अजीब सा हो रहा है ना। तो गाइज मस्त पेट पूजा करके आ गए, अब चलते हैं सीधा यहाँ से एयरपोर्ट भाई, यहाँ से 3 घंटे लगेंगे, जल्दी से पहुंचना है हमको। गाइज देखो हमारी फॉर्च्यूनर कितने किलोमीटर हो गए, 47777 भाई, 50,000 किलोमीटर होने वाले अपने, 50,000। तो गाइज फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं टाइम से, और यहाँ का मौसम देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है। गाड़ी पार्क कर दी है, अब जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो भी गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, टिकट मेरा, मेरे नाम की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। एयरपोर्ट के अंदर तो आगे, अब देखते हैं बोर्डिंग पास मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे कोई इशू होना तो नहीं चाहिए बिकॉज नाम की स्पेलिंग ही गलत है, टिकट तो बुक कर ही रखी है ना, क्या पता वो ठीक करके दे दे बोर्डिंग पास, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नाम की स्पेलिंग ही गलत होगी भाई। तुम्हारी सही है नाम की स्पेलिंग? मेरे नाम में SAURABH कर रखा है। अब हम दोनों जाएंगे, अब यहीं से वापस चले जाओ गाड़ी। तो वापस जा भाई, जा। तो भी लाइन में लग गया हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इसमें भी देखो SAURABH कर रखा है, नाम गलत है। अब एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, अब मतलब अब कोई टेंशन नहीं है बिकॉज टाइम से पहुंच भी गए दिल्ली, एयरपोर्ट भी पहुंच गए। बाय द वे गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे मैनेजर का, हमारे 3 मैनेजर आ रहे हैं, एक तो मानसी, एक अंगद और एक भूपेंद्र। तो हमारे पहले मैनेजर आ गए हैं, सबसे बड़ी वाली मैनेजर मानसी जी। गाइज आज हमने 31 सिगरेट पिए हैं, मतलब न्यूज़ आई है कि दिल्ली में ना इतना पोल्यूशन हो रहा है कि नॉर्मली अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो ना तो भी आपके अंदर इतना पोल्यूशन चला जाता है कि आपने 31 सिगरेट पी हूँ। तो आज हमने 31 सिगरेट पी लिया, मानसी जी ने बताया। 31 मेरी 62 हो गई 2 दिन तो तेज है भाई। यहाँ पे धूप ही नहीं निकली भाई जब से आए हैं ना, ऐसा मौसम हो रखा है पूरा फॉगी फॉगी अजीब सा। धूप निकली हुई है, वो पोल्यूशन नीचे नहीं आने दे रहा धूप को, देख मेरी। अच्छा बाहर जाओ तो आंखें जलती है, इतना बुरा हाल। यहाँ पे हमको मिली वेंडिंग मशीन। क्या पीना चाहोगे? क्या पियोगे? मैं पीऊंगी कोक। क्या मॉन्स्टर? मैं भी मॉन्स्टर ही पी लूंगा, फर्स्ट टाइम यूज करेंगे। चलो चलो एक हमको पहले करनी है, दो मॉन्स्टर और एक कोक। एक कोक। पेमेंट कैसे करनी है? प्रोसीड टू पे। अभी पूछेगा तुमको कैश करना है कि UPI करना है, देखा इसने पूछा, करो इसको UPI कर देते हैं। ये तो नीचे गिर गई, एक और निकलेगी, मोस्ट नीचे गिरेगी ये गिरे। अरे हाँ। ये भी गिरेगी, अब ये गिरेगी। उठा ले भाई, फर्स्ट टाइम ट्राई किया हमने, ठंडा है क्या? और एकदम चिल है। बट गाइस यहाँ पे महंगी मिली हमको। तो हमारे दूसरे मैनेजर भी आ गए, भूपी भाई, भूपेंद्र जोगी और गेमर मिट भैया। और भाई क्या हालचाल? नाम क्या बताया? भूपेंद्र जोगी। कितने दिनों से आप दिल्ली में? 4 दिन तो हो। 4 दिन से हो? हाँ। तो इनने 124 सिगरेट पी ली। 124 सिगरेट पी ली आपने? चलो भाई प्लेन में आ गए, चलते अपनी सीट पे बैठते हैं, मिलते हैं हैदराबाद में, मिलते हैं अपनी विंडो सीट। अभी साहिल कहाँ है? साहिल गया, साहिल दिखाई नहीं। गाइज आप लोग सोच रहे हो हमारे मेन मैनेजर प्रणव भाई कहाँ है, वो ऑलरेडी भाई हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। तीसरे मैनेजर भी आ गए अंगद भाई, और साहिल भी आ गया फाइनली। तो गाइज हमारा खाना आ गया, ये समोसा, इससे भैया है।
तो गाइस फाइनली हैदराबाद पहुंच चुके हैं, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे। अब हम जाएंगे होटल। अब होटल अभी फर्स्ट टाइम आए हैदराबाद? हाँ ना। अरे वाह, आप भी ना। मतलब एक चीज, ये चीज कितनी मस्त है ना कि मतलब YouTube से पहले हम कहीं भी नहीं गए थे। बस अब गाइस घूम रहे हैं भाई, हम जहाँ भी घूम रहे हैं ना YouTube की वजह से घूम रहे हैं। मतलब उससे पहले हम मतलब दिल्ली भी नहीं जाते थे भाई, है ना, दिल्ली सिर्फ अपने शहर में जाते थे भाई। YouTube की वजह से घूमते रहते हैं, जहाँ घूमते हैं, जहाँ भी और फ्यूचर में भी जहाँ भी जाएंगे YouTube की वजह से ही जाएंगे। तो भी वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी का। अरे ये तो जिमनी आ गई भाई। अरे ये तो अपन ने चलाई थी भाई, है ना, और एक थार आई हमको लेने के लिए। तो भाई आज भी हम चलाएंगे जिमनी। तो फाइनली होटल पहुंच गए, अब चलते हैं अंदर। रूम नंबर बताओ, रूम नंबर बताओ। रूम नंबर है 405। ओह मेरा 404। ओ भाई, अरे भाई सही, साथ साथ में। अब हम अगल बगल भाई, अगल बगल। अबे कहाँ है रूम, कहाँ है? इधर इसको दबाना है। अरे कार्ड लगाइए तभी तो जा पाएंगे। जरूरत नहीं है रूम पे जाने के लिए, कार्ड लगाना पड़ेगा। देखो कार्ड लगाएंगे तब खुलेगा ये। ओ भाई ये सही है यार। चलो अब चलते हैं रूम में, देखते कैसा रूम है। यहाँ पे दो बेड है, पेंटिंग, पर्दे, चाय कॉफी, पानी, टीवी। तो भी गाइज हम आ गए डिनर करने के लिए, और यहाँ पे देखो भाई रेस्टोरेंट में। गाइज ये रेस्टोरेंट ना बहुत यूनिक है, यहाँ पे सारी चीज़ें यूनिक है, और इसका मेन्यू भी बस एक दाल मलाई बेचारा मिर्च का मारा। भैया एक तुम भी ले आओ, एक तेरे साथ, एक वजह तुम हो, सही भी लेंगे। मस्त कलंदर हंडी के अंदर। क्या क्या है, क्या मंगा रहा भाई? भाई बहुत मस्त मस्त चीज है गाइज, भैया दिल से ले आओ। गाइज यहाँ पे सारी कुर्सियों पे किसी ना किसी का पोर्ट्रेट बना हुआ, देखो सारी कुर्सी। तो प्रणव भाई भी आ गए फाइनली, अब मानसी जी खुश हो गई और ज्यादा। ये क्या है भाई, ये पनीर और रोटी। तो भी आ गए अपने रूम पे, और गाइज आज ना मेरा पूरा मूड खराब हो गया है, बिकॉज ये जो मैं नया फोन लिया ना गाइज, इसकी वीडियो मैं बताता हूँ कैसे रिकॉर्ड करें। मतलब आधे ज्यादा मेरा ब्लॉग इसने खराब कर दिया भाई, मतलब इतना घटिया फोन है ना, मैं घटिया ही बोलूंगा इसको। ये देखो कैसे वीडियो रिकॉर्ड किया इसने, सारी क्लिप्स खराब कर दी है मेरी, सारी की सारी है देखो। और ये सिर्फ आज ही नहीं हो रहा था, डेली होता है, डेली मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, डेली एक दो क्लिप खराब होती है, बट आज तो भाई इतनी सारी क्लिप्स खराब हो गई मेरी, मतलब मेरा व्लॉग ही खराब हो गया, पूरा मूड खराब हो गया। मैं एडिटिंग पे बैठा, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, इतनी मेहनत से बनाओ सब कुछ शूट करो और सारी क्लिप्स ही खराब हो गई, और डेली हो रही है। और ये मेरी नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स की, बहुत सारे ब्लॉगर्स की हो रही है, जो भी नया आईफोन 15 प्रो ले रहे हैं, तो ये सबसे घटिया फोन है, जो भी नया लेने की सोच रहे हैं भाई बिल्कुल मत लेना। मतलब मेरे को ही नहीं, बहुत सारे मैंने लोगों को पूछा, सबको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं तो अब चेंज करूंगा या फिर कैमरे से ही बनाऊंगा, फोन को यूज ही नहीं करूंगा भाई, बिकॉज भाई बहुत दिक्कत आ रही है, सारी क्लिप खराब हो जा रही है। कल इवेंट में भी जाना है, वहां भी शूट करना है, वहां भी अगर ऐसे हो गया तो पूरा व्लॉग ही खराब हो जाएगा मेरा। तो गाइस आज तो बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज डेली एक दो क्लिप खराब होती थी, आज तो बहुत सारी क्लिप खराब होगी मेरी व्लॉग की। अब देखते हैं कल क्या होगा। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा भाई किसी को भी आईफोन, नया आईफोन 15 मत लेना भाई, जिसको वीडियो बनानी है फिर कुछ भी करना है भाई, क्योंकि भाई इतने पैसे लगा के 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा का फ़ोन है, 2 लाख। 1 TB लिया मैंने स्पेशली ब्लॉगिंग के चक्कर में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पीस ख़राब है, सबके साथ में ये दिक्कत आ रही है, नए आईफोन में ये दिक्कत है। जो भी दिक्कत है एप्पल को ठीक करनी चाहिए, अदरवाइज मैं बोलूँ भाई मत खरीदना। तो अब मैं तो सो रहा हूँ, बिकॉज मेरा तो मूड ख़राब हो गया और अजीब सी फीलिंग आ रही है अब मुझे। तो चलो फिलहाल अब कल मिलते हैं, कल मीटअप भी है, तो फ्रेश उठ के साहिल के फोन से ब्लॉग बनाऊंगा, अपने फोन से ही बनाऊंगा यार, इसमें दिक्कत है, पूरा खराब ही कर रहा है। बस इतना ही बोलूंगा, इस वीडियो को शेयर करना ताकि एप्पल तक पहुंच जाए और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए भाई। तो चलो गाइस फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।